नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? बताओ क्या है मेरे हाथ में? शाबाश, सही कहा, ये खिलौने हैं जिनसे खेलना तुम सबको बहुत पसंद है। अच्छा लगता है ना तुम सबको खिलौने से खेलना? बताओ बच्चों, ये खिलौने तुम्हें कहाँ से मिलते हैं? तुम्हारे लिए कौन लाता है खिलौने? हाँ, सही कहा तुमने, खिलौने हम बाजार से या मेले में लगी दुकानों से खरीदते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ खिलौने बेचने वाले हमारे घर या गले के आसपास भी आते हैं, आवाज़ लगाते ना, खिलौने ले लो, खिलौने। याद करो बच्चों, वो फेरी वाले कौन कौन से खिलौने लाते हैं, किन किन चीज़ों से बने होते हैं खिलौने? सही कहा तुमने, कुछ बच्चे मिट्टी से भी खिलौने बना लेते हैं। क्या तुम भी खिलौने बना लेते हो? तो चलो आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक कविता पढ़कर सुनाती हूँ जो तुम्हारी कक्षा पहली के हिंदी पुस्तक के पार्ट 15 में है। पाठ का नाम है खिलौने वाला। आओ देखो इस पाठ में खिलौने वाले आने से बच्चे क्या कर रहे हैं और खिलौना वाला कैसी आवाज़ लगा रहा है। तैयार हो बच्चों? चलो पढ़ते हैं यह पाठ, पाठ 15, खिलौने वाला। बच्चों कविता को ध्यान से सुनना और फिर तुम भी मेरे साथ इस कविता को दोहराना। चलो खिलौने खेले हम, चलो खिलौने खेले हम, हाथी भालू ले ले हम, हाथी भालू ले ले हम, चलो खिलौने खेले हम, चाबी वाले कौवा मोर फुदक रहे हैं चारों ओर, चाबी वाले कौवा मोर फुदक रहे हैं चारों ओर, चलो खिलौने खेले हम, चलो खिलौने खेले हम, मोनू ने आवाज़ लगाई, चौकी बेलन ले लो भाई, मोनू ने आवाज़ लगाई, चौकी बेलन ले लो भाई, चलो खिलौने खेले हम, चलो खिलौने खेले हम, जोकर वाली टोपी ले लो खूब मजे से तुम सब खेलो, जोकर वाली टोपी ले लो खूब मजे से तुम सब खेलो, चलो खिलौने खेले हम, चलो खिलौने खेले हम। बच्चों मज़ा आया ना कविता सुनकर? आओ अब इस कविता को तुम मेरे साथ दोहराओ। चलो खिलौने खेले हम, चलो खिलौने खेले हम, हाथी भालू ले ले हम, चाबी वाले कौवा मोर फुदक रहे हैं चारों ओर, चलो खिलौने खेले हम, मोनू ने आवाज़ लगाई, चौकी बेलन ले लो भाई, मोनू ने आवाज़ लगाई, चौकी बेलन ले लो भाई, जोकर वाली टोपी ले लो खूब मजे से तुम सब खेलो, जोकर वाली टोपी ले लो खूब मजे से तुम सब खेलो। बच्चों अब यह कविता तुम अपनी पुस्तक से पढ़कर घर के लोगों को भी सुनाना। आओ अब इस कविता का हम अर्थ समझते हैं। चलो खिलौना खेले हम, हाथी भालू ले ले हम, चाबी वाले कौवा मोर फुदक रहे हैं चारों ओर। कविता की इन पहले चार पंक्तियों का अर्थ है कि बच्चे कविता में कह रहे हैं कि जब खिलौने वाला आया है तो चलो हम वहाँ से हाथी और भालू और चाबी वाला कौवा मोर जैसे खिलौने ले लेते हैं, और उसमें देखो एक खिलौना जो है कौवा और मोर वो सब क्या हो रहा है, चाबी भर देने से फुदक रहे हैं, तो ये बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। अगली कविता के पंक्तियों को सुनो। मोनू ने आवाज लगाई, चौकी बेलन ले लो भाई, जोकर वाली टोपी ले लो खूब मजे से तुम सब खेलो। तो जो मोनू है उसने अपने मित्रों को आवाज देते हुए कहा, अरे अरे दौड़कर आओ और देखो खिलौने वाले ने छोटी सी एक चौकी और बेलन भी रखी है। याद है ना चौकी बेलन? हाँ, जिसमें माँ रोटियाँ बनाती हैं। ठीक, तो वो कहता है मोनू कि यहाँ भी खिलौने वाले ने एक छोटी सी चौकी और बेलन भी ली है और जोकर वाली टोपी भी रखी है।
तो आओ हम सब अपनी पसंद के खिलौने खरीदें और फिर मजे से खेलें इनसे। तो बच्चों आओ हम अब एक गतिविधि करते हैं। इसमें पहली गतिविधि है चित्र देखकर पढ़ो और समझो। पहला चित्र क्या है? मटर। इसकी पहली आवाज़ क्या है? म ट र, ठीक है, पहली आवाज़ है म। दूसरा चित्र देखो, इसमें है मोर। मोर की पहली आवाज़ मो र। तो बच्चों मटर में जब म है वहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, लेकिन मोर की पहली आवाज़ मो में ओ की मात्रा लगी है। तो जब म में ओ की मात्रा लग जाएगी तो कैसा दिखेगा ये? इस तरह से, और इसे हम पढ़ेंगे मो। ठीक है बच्चों, अगला चित्र देखो। यह चित्र है जग। इसकी पहली आवाज़ ज ग, इसमें ज है पहली आवाज़। और ज दूसरा चित्र देखो, जोकर। इसमें पहली आवाज़ है जो क र, जो है इसमें पहली आवाज़। जब ज में ओ की मात्रा लग जाएगी तो ये जोकर वाला जो बन जाएगा। ठीक है, ये जो इस तरह से लिखते हैं। अगला चित्र देखो, अगला चित्र है चना। इसमें पहली आवाज़ च ना, च है पहली आवाज़। तो अगला चित्र देखो क्या है? चौकी बेलन। तो हम बेलन नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ, हम सिर्फ चौकी को देख रहे हैं। तो चौकी में पहली आवाज़ क्या है? चौकी, है ना, तो च है पहली आवाज़। इसका मतलब जब च में औ की मात्रा लग जाती है तब उसे चौ पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला देखो चित्र, यह है कछुआ। कछुआ में पहली आवाज़ है क छू पा, क है पहली आवाज़। और दूसरा चित्र देखो, शाबाश, दूसरा चित्र कौवा है। इसकी पहली आवाज़ कौ आ, इस कौवा में पहली आवाज़ कौ में देखो कैसी मात्रा लगी हुई है, शाबाश, इसे औ की मात्रा कहते हैं। कछुआ के क में कोई मात्रा नहीं है और कौवा वाले कौ में औ की मात्रा लगी है क में। ठीक है बच्चों, आओ बच्चों अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न है शब्द बनाकर लिखो और पढ़ो। देख रहे हो इस तरफ कुछ अक्षर लिखे हैं। कौन कौन से अक्षर हैं? भो शो मु और जो। इसे र अक्षर से जोड़कर शब्द बनाना है। जैसे पहला क्या बनेगा? भोर। दूसरा शब्द बनेगा शोर। तीसरा शब्द बनेगा मोर। और अगला शब्द बनेगा जोर। ठीक है बच्चों, तो अब इस तरह से तुम और भी सारे शब्द बना सकते हो। बच्चों अब हम इस पाठ से जुड़े कुछ गृह कार्य करेंगे। इसमें पहला गृह कार्य तुम्हें है चित्रों के नाम का शुरू अक्षर लिखो। देख रहे हो कौन कौन से चित्र हैं? जग, ऐनक और टमाटर। जैसे पहले चित्र जग में पहली आवाज़ क्या है? ज है, तो इसका शुरू का अक्षर क्या होगा? ज होगा, और उसे इस तरह से लिखेंगे। अब बाकी के चित्र तुम पहचानो और इनका नाम याद करो और इनके पहला अक्षर लिखो। गृह कार्य का अगला प्रश्न है खाली जगह पर सही वर्ण लिखो। देख रहे हो यहाँ कुछ शब्दों में कुछ अक्षर छोड़ दिए गए हैं और उन्हें तुम्हें कौन सा सही वर्ण वहाँ पर आना चाहिए ये सोचना है और लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। पहला है आम। इसमें यदि हम आ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आम। अगला शब्द है म। इसके बाद यदि हम यहाँ ट लिख देंगे तो ये कौन सा शब्द बन जाएगा? मटका। ठीक है, अब इस तरह बाकी के भी शब्दों में सही वर्ण लिखकर तुम इसे पूरा करो। गृह कार्य का अगला प्रश्न है खिलौने का चित्र बनाओ। अब तुम अपनी पसंद के बहुत सारे खिलौने देखते हो और उनका चित्र बना सकते हो। ठीक है बच्चों, जैसे अभी तुमने खिलौने का चित्र बनाया
आओ अब हम रुमाल से खिलौने बनाना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो इसे ध्यान से देखो। आओ बच्चों, अब मैं तुम्हें रुमाल से कुछ खिलौने बनाना सिखाती हूँ, फिर इसे तुम भी बनाकर देखना। देखो इसके लिए इस तरह से हम एक रुमाल लेंगे, इसके बाद इसको बीच से मोड़ देंगे, ठीक है, ऐसा इसके दो किनारों को मोड़कर एक जैसा कर दो, इसको हाथ से ऐसा दबा दो और फिर इस तरफ से इसे मोड़ते हुए आगे बढ़ो। ऐसा और इतना छोड़ देंगे हम, ठीक है, फिर इसके बाद इसे ऐसा पलट देंगे। अब ये पलट गया, अब इसके एक किनारे से इसे मोड़ना शुरू करो। इसे इस तरह से मोड़ते रहो, देख रहे हो ना, इसे थोड़ा दबाते हुए इस तरह पूरा मोड़ लो। अब ये जो आखिरी किनारा बचा, इसे सावधानी से पीछे की तरफ अंदर घुसा दो। इसके लिए स्केल, पेंसिल किसी के सहारे से थोड़ा अंदर की तरफ घुसा दो। अब ये जो दो हैं पीछे के भाग खुले हुए, इसे फैला दो। इस तरह से खोल के फैला देंगे। अब ये देखो बन गया ना गुलाब, ये हो गई उसकी पत्तियाँ और ये बन गया फूल। तो इस तरह तुम भी बना कर देखो। आओ अब हम रुमाल से ही कढ़ाई बनाना सीखते हैं। अगला खिलौना बनाने के लिए भी हम रुमाल को पहले मोड़ना शुरू करेंगे। इसे दोनों किनारों को पकड़ो और मोड़ते जाओ। लगभग जब आधा इसको मोड़ लो, हाथ से इस तरह थोड़ा सा दबा दो। अब दूसरी तरफ से इसे मोड़ना शुरू करो। हाँ ये देखो, इस तरह से जब ये दोनों किनारे मिल जाएं तो इसे पीछे तरफ पलट दो और पलट के फिर इसे मोड़ो। इसी तरह दूसरे किनारे से भी मोड़कर इसे ले आओ। ये देखो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसे सावधानी से आगे की तरफ खोलो, ठीक, ये देखो इस तरह। अब ऐसे ही दूसरे किनारे को भी पकड़कर, पूरा नहीं खोलना है, थोड़ा सा खोलना है। बन गई ना एक छोटी सी कढ़ाई। ऐसे ही रुमाल या कागज मोड़कर तुम बहुत सारे खिलौने बना सकते हो। ठीक है बच्चों, बच्चों मज़ा आया ना ये कपड़े से खिलौने बनाकर। इस तरह से तुम मिट्टी से, कागज से, कपड़ों से और माचिस की खाली डिब्बियों से अलग अलग तरह के खिलौने बना सकते हो। ठीक है बच्चों, जल्दी ही हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो।